हरे कृष्णा। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर एक सूट का रिव्यू करने वाली हूँ। ये सूट मेरी बड़ी सिस्टर का है, उन्होंने एक सूट खुद सिलवाया है। इसकी एक एक आप जो बारीकी से वर्क देख सकते हो, इतना सुंदर है। ये जो सूट है ये मेहंदी के लिए सिलवाया था उन्होंने, ताकि जो मेहंदी के फंक्शन है उनमें आप पहन सकते हो। इसकी जो वर्क है, इसकी जो कढ़ाई है, इतना प्यारा वर्क है, और सामने से तो और भी इतना सुंदर लगता है, जबकि मैंने ओरिजिनल कैमरे से ही इस वीडियो को शूट किया है। इसका जो ये जो साथ में है, ये इसके लिए हमने लेगी सिलवाई थी, खुद सिलवाई हमने। पहले सोचा था कि सलवार या फिर इसके साथ हम बॉटम जो पजामा टाइप होता है वो सिलवा सकते हैं, पर इसके साथ जो चूड़ीदार पजामी है वो बहुत ही सुंदर लगती है, कुछ यूनिक स्टाइल लगता है। साथ में ये इसकी चुन्नी है, आप चुन्नी का वर्क इतना शानदार है कि आप सबसे पहले तो चुन्नी देखिए, आपको लगेगा कि बस चुन्नी ही देखते रह जाओ, इतना सुंदर इसका वर्क है। और इस पे जो छोटी छोटी बीच में लाइंस दी हुई है, ये दूर से ऐसे लगता है कि वर्क जो मोतियों का वर्क है वो होता है, जबकि ये इसका हैंड वर्क है, जो धागे से जो हम कढ़ाई करते हैं थ्रेड से वो किया हुआ है। बहुत ही शानदार इसका वर्क है, आप इसे देख सकते हैं। आप इस तरीके का कुछ भी सिलवा सकते हैं मेहंदी के फंक्शन के लिए, या नॉर्मल भी आप इसे ऐसे वर्क को पहन सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। ये सूट लगभग 2700 या 2800 का ये कपड़ा पड़ा था, और उसके बाद 700 या फिर 800 के आसपास इसकी सिलाई लगी थी। जो इसका कपड़ा है वो थोड़ा सा डिफरेंट कपड़ा है इसका, मैं आपको इसका नाम बाद में बता दूंगी, इस कपड़े का नाम क्या है। मुझे दीदी ने कुछ बताया था लगभग, बट मुझे याद नहीं है। इसका कपड़ा बहुत ही शानदार है, इसकी जो फिनिशिंग है, और अंदर इसके अस्तर लगवाया है, ताकि इस कपड़े का जो अस्तर है ये कपड़ा काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चल सके, इसलिए इसका कपड़ा भी बहुत सुंदर है। मुझे लगा आपको दिखाना चाहिए। इसकी जो बाजू है ये हमने 3/4 रखवाई थी बाजू इसकी, और ये जो इसमें छोटे छोटे डॉट्स है, और ये गले का वर्क है, गले का वर्क भी काफ़ी सुंदर है, पान गला बनवाया हुआ है इसका। मेरे ख्याल से ये इसका वर्क भी ऐसा ही आया था जिससे हम पान गला बनवा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। हरे कृष्णा।